फल निकालने के बाद उनके परीक्षा फल का जो मार्कशीट है उसको क्यों नहीं ठीक दे रही है उनको? देखिए, इसमें दो तरह की बातें इसमें बताना चाहेंगे, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण और बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जो किसी भी विषय, जो किसी भी छात्र यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा यथा मेडिकल, नीट, इंजीनियरिंग या किसी भी अन्य प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यदि उत्तीर्ण किए हैं और यदि किसी कारणवश उनको बोर्ड में किसी भी विषय में कम अंक प्राप्त हुए हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए अलग से बोर्ड द्वारा व्यवस्था की गई है ऑनलाइन रूप से कि जब भी वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन दें तो अपने उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो उन्होंने उत्तीर्ण किया उसके बारे में इंडिकेट कर दें, उसका उल्लेख कर दें, उसके लिए अलग से कॉलम बनाया गया, उसके लिए अलग से फॉर्मेट बनाया गया है। और ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उत्तीर्ण होते हैं वैसे कैंडिडेट्स की कॉपी को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा और सबसे पहले उसकी स्क्रूटनी कराई जाएगी ताकि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत यदि उसमें किसी भी प्रकार की संशोधन या उसमें सुधार की गुंजाइश अगर है तो उसको किया जाएगा। और यह भी बता देना चाहें कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया सिर्फ बिहार बोर्ड ही नहीं, देश के जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड हो या अन्य राज्यों के बोर्ड हो, स्क्रूटनी की प्रक्रिया सभी बोर्डों में, सभी राज्यों में अपनाई जाती है। और परीक्षा फल के प्रकाशन के पश्चात स्क्रूटनी के लिए जो भी आवेदन लोग देते हैं, स्क्रूटनी के पश्चात प्रति वर्ष हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं के परीक्षा फलों में सुधार भी होता है और वही प्रक्रिया गत वर्ष भी हुई थी और वही प्रक्रिया इस वर्ष भी की जाएगी। सबसे पहली चीज तो यह कि रिजल्ट के प्रकाशन के दो दिनों के पश्चात ही बोर्ड ने अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि जिस किसी भी छात्र को किसी प्रकार की शिकायत है वे ऑनलाइन रूप से बोर्ड के वेबसाइट पर अप्लाई करें। अर्थात यह है कि छात्रों के किसी भी प्रकार के आवेदन को लेने की मैनुअल व्यवस्था समिति के काउंटर पर नहीं की गई। उसका कारण यह क्या है कि छात्रों की संख्या अधिक होती है, अतः अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करके ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई। तो बोर्ड की ओर से चूंकि यह व्यवस्था की गई थी इसलिए मैं पुनः सभी छात्र छात्राओं से अपील करना चाहूंगा कि समिति के कार्यालय पर कृपया व्यक्तिगत रूप से न आए, आपकी शिकायत को सुनने के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है उस ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत आप अपनी शिकायत दर्ज करें। स्क्रूटनी के अलावा अन्य सभी प्रकार की शिकायतें निःशुल्क लोग आवेदन कर सकते हैं अपना रोल नंबर रोल को डालने के बाद। तो यह व्यवस्था चूंकि की गई है इसीलिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी छात्र छात्रा को काउंसिल में या कहीं पर आने की जरूरत नहीं है और निश्चित रूप से इसमें सभी छात्र छात्राओं का भी सहयोग अपेक्षित है, सभी अभिभावकों का भी सहयोग हम लोग अपेक्षित करेंगे। और इस पूरी व्यवस्था में चूंकि कई सारे सुधारात्मक कदम समिति द्वारा गत कई वर्षों में उठाए गए हैं और उस सुधारात्मक कदमों के अंतर्गत निरंतर रिजल्ट की प्रक्रिया में काफ़ी सारे सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं, इन सभी व्यवस्थाओं में आपका सहयोग अपेक्षित है। और इतना पुनः आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो भी शिकायत आप ऑनलाइन रूप से दर्ज करेंगे, आपकी प्रत्येक शिकायत पर, आपकी प्रत्येक कंप्लेंट पर समिति द्वारा संज्ञान लिया